friends, how are you? Welcome to the Kind Science Academy. My name is Muhammad Bilal and I am here to teach you physics class 9th. तो students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th class physics chapter number 2 की एक series start की हुई है, तो आज हम अपनी इसी series का next topic discuss करने जा रहे हैं इस video के अंदर. तो video को complete watch कीजिएगा. अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के साइन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बरवक़्त पहुंच सके. जी तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो वीडियो का उन्वान है, जो टॉपिक है, वो है हमारे पास पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास पोजिशन क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है. तो टाइम ज़्यादा किए बगैर चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ. जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास टर्म है पोजीशन, पोजीशन बाद में है डिस्टेंस, फिर है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. बेसिकली ये हमारे पास कहाँ से निकली है, जब हम क्या करते हैं किसी चीज़ के ऊपर कुछ फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ क्या करती है, मूव करती है, मोशन करना स्टार्ट कर देती है. ज़ाहिर है कि जब वो चीज़ मोशन करेगी तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर करेगी और इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा. तो जब ये इस तरह की कुछ कंडीशन होती है, बात होती है, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ इस्तलाहात यानी कुछ ना कुछ टर्म वहाँ पे ओरिजिनेट हो जाती है. तो ये भी बेसिकली उन्हीं में से हैं. सबसे पहले अगर हम पोजिशन की बात करें तो पोजिशन हमारे पास क्या है, किसी भी आपने जगह को लोकेट करना हो, किसी भी पॉइंट को बताना हो, तो आप क्या करेंगे, किसी रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन को डोनेट कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट. यानी कि जो हमारे पास पोजीशन की टर्म है वो किस लिए यूज होती है, किसी जगह को या किसी पॉइंट को जाहिर करने के लिए, रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. कहाँ से, किसी रेफरेंस पॉइंट से. अब जैसे कि यहाँ पे टर्म यूज हुई है रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास, आपको ये तो पता होगा कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है. इसके अलावा भी एक एक्सिस होता है जिसको हम नाम देते हैं जी एक्सिस, उसको स्पेस का नाम दिया जाता है. अब बात लंबी हो जाएगी, यानी कि जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो हमारा एक्स वाई कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो, जीरो. तो सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन, यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन क्या है हमारे पास, यानी ऐसी टर्म है जो कि क्या करती है, हमारे पास किसी रेफरेंस पॉइंट से, किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी जगह की या किसी पॉइंट की लोकेशन को जाहिर करती है. जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो यहाँ मैंने ये आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, तो वो क्या है कि ये हमारे पास रोड है. तो फर्स्ट कर लो कि यहाँ पे आपका हाउस है, ये आपका स्कूल है, ठीक है. तो जो आपके घर से स्कूल वाली ये जो लाइन, यानी अगर मैं इसको लाइन को जाहिर कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये जो लाइन शो कर रही है वो किसको कर रही है, यानी कि इसकी पोजीशन को शो कर रही है. तो नेक्स्ट अगर आप ये बात करेंगे, कोई आपके पास वेक्टर है यानी कोई फोर्स है, उसको आपने शो करवाना है नॉर्थ और ईस्ट की जानब, तो वो आप क्या करेंगे, यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लेंगे तो आप इसको इस तरह से बता देंगे कि ये नॉर्थ और ईस्ट की जानब इस तरह से शो हो सकती है. तो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या डिफरेंस है हमारे पास, सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्टेंस की. जो डिस्टेंस होता है ना, वो हमारे पास किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता होगा ना, डिस्टेंस यानी लेंथ होगी, तो उसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस का. और जो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास दो पॉइंट्स तो दो ही हैं, लेकिन उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास, कम से कम डिस्टेंस है, फासला है, वो होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट. भाई इसकी डेफिनेशन देखते हैं,
डिस्टेंस लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट, यानी उन पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास क्या होगा, वो डिस्टेंस होगा. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट देख लें. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि ये हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है. तो ये हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि वो क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो वो क्या कहलाती है हमारे पास, वेक्टर कहलाती हैं. तो नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहले डिस्टेंस, तो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है. तो ये वाला हमारे पास एक पॉइंट कोई ए पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है बी, और ये हमारे पास एक कर्व्ड पाथ है, ठीक है. तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमने क्या बताया, दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमारे पास लंबाई होगी, लेंथ होगी, यानी कि एक पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है, तो ये इनके दरमियान में क्या होगा सारा यहाँ पे लेंथ जो होगी इसकी, उसको हम नाम देंगे डिस्टेंस की. और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से एस से, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर. और नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की. जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अब यहाँ पे हमारे पास सेम कर्व पाथ है और यहाँ पे देखो कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइन को सीधा मिला देता हूँ एक लीनियरली, तो ये क्या होगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं. तो अब ये देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ, और यहाँ पे मैंने वेक्टर लगाया है इसलिए क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो इसका भी यूनिट क्या है, मीटर है. अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि ये तो हो गया हमारे पास कर्व पाथ के लिए, अब अगर हमारे पास कोई लीनियर पाथ हो, स्ट्रेट पाथ हो, तो उसके लिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है. तो इसके लिए आप देख लें कि फर्स्ट कर लें कि क्या हमारे पास में रोड है, ठीक है. अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा. फर्स्ट कर लो कि आपने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आप कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुंच गए, तो यानी कि आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया है. तो पॉइंट्स तो हमारे पास दो ही हैं, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, अगर स्ट्रेट पाथ होगा तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि कौन साइड होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो पॉइंट हमारा डिस्टेंस का होगा वही डिस्प्लेसमेंट का होगा. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप कि आपको ये बहुत समझ आ गया होगा. तो अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए.